अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आप सभी का खैर मकदम है इस न्यू व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग में बेसिकली मैं अपनी बाइक में एक छोटी सी एक्सेसरीज ऐड करने वाला हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं ऐड करूँगा जी ये बोबो का मोबाइल होल्डर। एक्चुअली मेरी बाइक में पहले से एक मोबाइल होल्डर मैंने माउंट करके रखा था, जो कि है ये वाला। ये लोकल है, कोई ब्रांड वगैरह का नहीं है, लोकली मैंने लिया था। एक बाइक के जहाँ से सामान मिलता वहाँ से लिया था। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि जब भी मैं हाई स्पीड पे क्रूज़ करता था, जस्ट लाइक 70, 80, 90, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता था। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता था ये। तो वीडियो में भी ना बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा था, मैंने एडिटिंग के टाइम पर बहुत नोटिस किया। तो इसकी सिर्फ आवाज़ की वजह से मुझे कई सारी क्लिप जो है वो कट करनी पड़ी अपने व्लॉग में से। तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया ये, इसको हटा के एक अच्छा माइक होल्डर लगा लेते हैं बाइक में। तो मैंने बोबो का जो था ये वो ऑर्डर कर लिया है, फाइनली आ भी गया है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको माउंट करते हैं हैंडल पे। तो जी ये है अपना बोबो का मोबाइल होल्डर। तो अभी इसको फ़िलहाल में अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट तो ये है बोबो की कीचेन, जो कि शायद काम में आ जाए मेरे, देखते हैं। इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल, ये काम का नहीं है। और ये है बेसिकली, अगर आपके हैंडल बार पे जगह नहीं है तो आप इसको मिरर पे लगा सकते हो। ये उस वजह से शायद इसकी ज़रूरत तो पड़े या ना पड़े, देखते हैं बाद में। और इसमें है जी ये एक रबर का स्टिकर है, जो कि हैंडल बार पर लगेगा, आई थिंक ग्रिप के लिए या फिर वाइब्रेशन ना हो उसके लिए होगा ये। और ये एक माउंट है एंड मेन है जी ये मोबाइल होल्डर, इसको साइड में रख देता हूँ। तो बेसिकली ये जो मोबाइल होल्डर है ये जाएगा जी ये इस माउंट में, और ये माउंट लगेगा हैंडल बार पे। तो अभी देखते हैं कैसे क्या सेटिंग करनी है इसकी, वो हिसाब से लगाते हैं। और इसमें कुछ और भी है, ये दो और, ये आई डोंट नो क्या है मुझे एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। और ये है एक एलन की, जिससे टाइट करेंगे हम। तो अभी लेट्स सी, इसको लगा के देखते हैं कहाँ पे लगाना है। तो चलिए जी अभी लगाते हैं अपना मोबाइल होल्डर। ये जो रबर था वो स्टिकर काइंड ऑफ, इसको मैंने लगा दिया है। तो अभी उसके ऊपर लगेगा जी ये माउंट, जिसका अपना मोबाइल होल्डर फिट होगा। तो इसके नीचे से ये लगाएंगे। एक्चुअली ये बेस ग्रिप है, ये दोनों के बीच में अगर ये डायरेक्ट लगाओगे तो इतने जगह थोड़ी स्पेस रह जाती है, तो ये ग्रिप की वजह से दिया है। इसके अंदर ही ऐसा लगेगा ताकि ग्रिप बन जाए, टाइट हो जाए ये प्रॉपर से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑलराइट। तो जी ये लग गया माउंट, अब इसको करेंगे हम टाइट ये स्क्रू से। तो जी ये हो गया अभी एकदम टाइट, और थोड़ा टाइट कर दूंगा मैं, फिलहाल मैं सिर्फ ऐसे ही लगाया हूँ जजमेंट के लिए। और अभी ये जाएगा जी इसमें, आई थिंक ये ऐसे जाएगा पहले, फिर लगेगा जी ये। इसको यहाँ से ऐसा प्रेस कर दिए, अब ये पीछे से होगा जी टाइट, ये एक नट की तरह टाइट हो जाएगा। घुमाना कैसे, ओके यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा रखूँ इसको। तो जी ये फाइनली अपना लग गया है जी बोबो का मोबाइल होल्डर, जो कि यहाँ पे फिट हो गया है। एक्चुअली मैंने इसको ऐसा करके नहीं लगाया, बिकॉज़ अगर मैं इसको ऐसे में लगाता खड़े करके तो मेरा मोबाइल जो है यहाँ तक आता, तो जिसकी वजह से मेरा जो फ्यूल इंडिकेटर है वो मुझे शो नहीं होता था। इस वजह से मैंने ऐसा लगाया ताकि मेरा मोबाइल ऐसा आ जाए यहाँ पर। तो इसका जो भी लिंक वगैरह है इस बोबो मोबाइल होल्डर का, अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मैं आपसे मिलूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।